तो स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थ्री बेस्ट स्टेबिलाइजर फॉर योर एसी। थ्री बेस्ट स्टेबिलाइजर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अगर ज्यादा ऑप्शन रहेगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो यहाँ पर आप अपने एसी के कैपेसिटी यानी टोनेज के हिसाब से आप स्टेबिलाइजर चूज कर सकते हो। अगर आपका एसी का जो कैपेसिटी यानी जो टोनेज है 1 टन है या फिर 1.5 टन है या फिर 2 टन है, तो ये तीनों वेरियंट के लिए एक एक स्टेबिलाइजर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टेबिलाइजर क्यों चाहिए, अपना एसी के लिए स्टेबिलाइजर का क्या रोल है। सो इसको मैं 3 पॉइंट से जो जनरल पॉइंट से आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं, जैसे कि सब लोगों को पता है। सो स्टेबिलाइजर का जो फंक्शन नंबर 1 है इन जनरल कि आपका एसी को कंस्टेंट वोल्टेज सप्लाई मिलते रहे, और आपका एसी को जो है स्टेबिलाइजर प्रोटेक्ट करेगा जब अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज होती है यानी फ्लक्चुएशंस। अल्टीमेटली अगर पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 आपका एसी को कंस्टेंट पावर सप्लाई प्रोवाइड करना और अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज से बचाना, तो अल्टीमेटली एसी का जो लाइफ स्पैन है, जो लॉन्जिबिलिटी है या फिर आप ऐसा कह सकते हो जो लॉन्ग लास्टिंग है, इंप्रूव हो सकती है। यहाँ पर जो मैं 3 स्टेबिलाइजर के बारे में बात करने वाला हूँ वो मैं कैसे पिक किया मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। सो ये जो 3 स्टेबिलाइजर है दोस्तों, आपको फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, अमेजन पर भी अवेलेबल है, और इसका अगर यूजर रेटिंग देखोगे तो फिर 3.94+ इसका रेटिंग है। सेकेंडली इसका स्पेसिफिकेशन जो है, ये 3 स्टेबिलाइजर का स्पेसिफिकेशन बेस्ट आप कह सकते हो। सो आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि आपको अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और तीसरा चीज जो है यूजर फीडबैक। सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है लक्ष्मीधर, आप देख रहे हैं टेक डिवीजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल बटन जरूर दबाइएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेबिलाइजर जो है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे, ये है एवरेस्ट का EWD500 डिजिटल डबल बूस्टर क्लासी डीजी स्टेबिलाइजर, और इस स्टेबिलाइजर को आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास 2 टन एसी है। तो फीचर का बात करें तो यहाँ पर आपको 7 सेगमेंट डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगी, आप इजीली जो है मॉनिटर कर सकते हो आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। स्टेबिलाइजर पर आपको थर्मल सेंसर फंक्शन रहती है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी ओवरहीटिंग से, और इस स्टेबिलाइजर पर आपको 5 ईयर का कंप्रेसिव वारंटी प्रोवाइड की जाती है, प्लस आपको ये एक 5 kVA कैपेसिटी वाला स्टेबिलाइजर है। सो नो डाउट आपको इस स्टेबिलाइजर पर इफिशियंट वोल्टेज करेक्शन एंड अच्छी परफॉर्मेंस आउटपुट देखने को मिल जाती है। बट यस, थोड़ी जब मैं यूजर का फीडबैक ले रहा था तो उस समय में कुछ लोग ये बताया कि ऑपरेशन थोड़ी नॉइजी होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो अवेलेबल है अभी फिलहाल अमेजन पर, और इसका प्राइस रहेगी दोस्तों 4,110 रुपीज। सो ओवरऑल बेस्ड ऑन प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन एंड यूजर फीडबैक, आप ये इसको एक वन ऑफ द बेस्ट स्टेबिलाइजर कंसीडर कर सकते हो, और अगर आपके पास 2 टन का एसी है आप उसके साथ इसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारा सेकंड स्टेबिलाइजर जो आप यूज कर सकते हो 1.5 टन एसी के साथ में, ये है दोस्तों वी गार्ड के ID4AC5540। इस स्टेबिलाइजर पर आपको एक कलर चेंजिंग एलईडी दिया गया है जो कि डिजिटल डिस्प्ले करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग। यहाँ पर आपको 3 ईयर का वारंटी मिल जाती है और वाइड एसी इनपुट पावर रेंज यानी 90 वोल्ट AC to 300 वोल्ट AC इनपुट पावर सप्लाई इसमें आपको सपोर्ट करेगी, काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसका प्राइस रहेगी 5,000, अवेलेबल दोनों प्लेटफॉर्म पर है, फ्लिपकार्ट पर भी है, अमेजन पर भी है। और हमारा जो तीसरा स्टेबिलाइजर है जिसको आप यूज कर सकते हो 1 टन एसी के साथ में, वो है दोस्तों माइक्रोटेक का EM4130। इस माइक्रोटेक स्टेबिलाइजर पर भी आपको 3 ईयर का वारंटी प्रोवाइड की जाती है, पर भी आपको क्लियर डिजिटल डिस्प्ले और आपको गुड परफॉर्मेंस का क्वालिटी एंड मॉडर्न डिजाइन आप इंप्रेस हो सकते हो। बट यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको नॉइजी ऑपरेशन सुनने को मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो स्टेबिलाइजर है आपको अवेलेबल है अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर, और जिसका प्राइस रहेगी जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हो, वो है 3699 यानी 3700। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है किसी भी मॉडल को लेकर, किसी भी स्टेबिलाइजर को लेकर, आप लिंक में चला जाना, वहां पर आपको प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो क्या रियली एक स्टेबिलाइजर का जरूरत है अपना एसी के लिए? तो भाई देखो, आजकल जो भी एसी आते हैं, जो भी एयर कंडीशनर आते हैं, कुछ कुछ एसी पर आपको इनबिल्ट ऑलरेडी वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए मिल जाती है, लेकिन अगर आप स्टेबिलाइजर लगाओगे एसी के साथ में तो आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। सो कंसीडर करनी चाहिए अगर आप ज्यादा लाइफ स्पैन चाहते हो। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी यूजफुल होगी अपने फेवरेट स्टेबिलाइजर परचेस करने के लिए, जो जहां पर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सो आप अपने एसी का टोनेज यानी एसी का कैपेसिटी के हिसाब से इन 3 स्टेबिलाइजर को चूज कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी नया कंडक्टर के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।